कोरोनेशन ब्रिज एक टाइगर ब्रिज पहुंच गए फाइनली। यहाँ का एक चीज़ बता दूँ ना भाई, मतलब बाकी कहीं भी जगह पे सिलीगुड़ी हो कहीं पे भी हो किसी भी मौसम में ना गर्मी रहेगी, स्पेशली समर के टाइम पे। बट जैसे ही आप इस वाले एरिया में घुसते हो, मतलब एक टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, बिकॉज एक तो ना पहाड़ एक थोड़ा सा हाइट में है, फिर हरे भरे जंगल है बहुत सारे हैं, और ऊपर से बीच में ना तीस्ता रिवर है। सो ये जो तीस्ता रिवर है, दिस इज़ अ मेन सोर्स ऑफ यू नो वाटर जो पूरे नीचे तराई वाले रीजन में, जो प्लेन वाले एरिया में है वहाँ पे, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इट टू कूल डाउन द टेम्परेचर इस वाले जोन में ना। कोदलाबड़ी बाजार, सो दिस इज़ द प्लेस वेयर आई ग्रू अप। देख रहे, बोला था जैसे आज संडे है तो भीड़ भाड़ तो रहेगा ही। तरफ सब कुछ तो मुझे इंडिकेटर ना दी नहीं। इंडिकेटर दिन ऊपर से झंडे हिर्काई दे अहिले कोले र स्वाट गर्दे इंडिकेटर न देखि भाग कता कता भन्छ उयो उयो रकम पोलको त्यो रकम बोक्नु पर्छ त त्यो पनि। तो आज का थोड़ा सा स्पेशल प्लान है कि हम लोलेगांव पहुँचेंगे, फिर वहाँ थोड़ा सा बैठ के आराम से खाना वाना बनाएंगे, खाना वाना बना के फिर वहाँ से निकलेंगे। तो ये प्लान है। जिस एरिया से हम लोग जा रहे हैं वो एरिया है साइली टी गार्डन एरिया, और जगह भी बहुत ही बढ़िया जगह है, स्पेशली रोड्स वगैरह ना, जो टी गार्डन्स के जो बीच से जो रोड निकलता है, मतलब इनका अलग ही एक चार्म है। आगे पहले साइली टी गार्डन आ गया, अभी मीन ग्लास आ गया है, तो ऐसे ही बहुत सारे टी गार्डन्स जो कभी कभी एरिया जो डिवीज़न है वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और मोटा मोटी मतलब ये पूरी जो जगह है इसको टी गार्डन्स ही इसको एक्चुअली ऑक्यूपाई करता है। और इन टी गार्डन्स की और एक खासियत ये भी है कि सिंस यहाँ पे जो वर्कर्स वगैरह है, मतलब बहुत पहले से ही वर्कर्स जो आते हैं उनको डिफ़िकल्टीज ना हो, उसके वजह से जब ये टी गार्डन इस्टेब्लिश हुआ था प्रॉबली जब ब्रिटिश के टाइम पे, उस टाइम से ही उन्होंने क्या किया था कि जो टी गार्डन जो थे वर्कर्स उनको एज अ सेटलर टी गार्डन के बीचों बीच बना दिया, जगह दे के, ताकि उनको कहीं दूर से आना ना पड़े और डिले ना हो काम में आने के लिए। तो इस वजह से बहुत सारे जो मैक्सिमम टी गार्डन एरिया है वहाँ के बीचों बीच ना आपको मिल जाएगा, लोगों की बस्तियाँ मिल जाती है। ये मेन फैक्ट्री है मेन ग्लास का, अंदर फैक्ट्री है मेन वाला। और दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, आप जैसे ही इस एरिया में फैक्ट्री के आसपास एंटर करोगे, आपको वो एरोमेटिक टी गार्डन का जो स्मेल है, टी का जो स्मेल है वो आने लगता है, और एकदम इतना बढ़िया होता है वो स्मेल
कि ना आपको लगता है कि आप थोड़ा वेट करो और एकदम रुक के आप उसको एंजॉय करो, उसके बाद आप वहाँ से निकलो, ऐसा आपको महसूस होता है। यार गोप्रो ना, गोप्रो ने दिमाग ख़राब करके रखा। दो बार तो हो चुका अभी तक कि हैंग हो गया दो बार। अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि भाई ये रिकॉर्ड कर रहा है कि इस इंसिडेंट को, किसको नहीं कर रहा है, क्योंकि बड़ा अनरिलायबल सा हो रखा हुआ ये गोप्रो भाई साहब। मतलब ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। सो दिस इज़ हाउ ये गुरुवथन का जो एरिया है, ये मोस्टली हिली एरिया, और ये एरिया फेमस भी है, लोग यहाँ पे टूरिज्म के लिए लोग आते हैं बहुत सारे घूमने के लिए, होम स्टे वगैरह है। और यहाँ के बहुत सारे जो यूथ है और जो मेन है वो सर्विस करते हैं आर्मी में, ये भी एक पॉइंट है। पूरा का पूरा ये अम्बेक गांव है, इसको क्रॉस करते हुए आप आगे निकलते हैं तो यहाँ पे ये सब ना बहुत फेमस है। सो एवरी लैंडमार्क में ये लिखा सा होता है आई लव अम्बेक। तो ये हर जगह पे है, गोरुबथन में मिल जाएगा, कालिंगपोंग में मिल जाएगा, दार्जिलिंग में मिल जाएगा। सो एवरी प्लेस हैज़ देयर ओन लैंडमार्क लेटर्स रिटन, तो हर जगह पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा लगता है, फ़ोटो वोटो वगैरह लोग खिंचवाते हैं इसमें तो अच्छा आता है। हम लोग ऊपर आए थे लेकिन वेदर बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हमारे पास टाइम ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हमें खाना भी बनाना, खाना भी और फिर वापस भी जाना है, इसलिए हम लोग थोड़ा नीचे जा रहे हैं वापस स्काउट करके और देखते हैं कि दूसरा कोई और जगह मिल जाए हम लोग जहाँ पे बैठ के आराम से खाना वाना बना के एंजॉय कर सके। फाइनली हमने सोचा कि भाई अम्बेक टी स्टेट के यहीं पे हम लोग पिकनिक मनाएंगे, जो भी कर रहे हैं खाना वाना बनाएंगे। तो बाइक कर दिया पार्क यहाँ पे, बैग वैग ले लिया है और नीचे उतरना है यहाँ से। नीचे नीचे जा रहे हैं हम लोग, अभी वहाँ चलेंगे नदी वदी में, थोड़ा अच्छा अच्छा स्पॉट देखेंगे। यहाँ पे ना बहुत सारा लैंड है लोगों का, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उससे होते हुए जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ऑफ रोड है लेकिन यूजुअल भीड़ नहीं रहेगी, भीड़ क्या कुछ भी नहीं रहेगा। तो अपना मस्त प्राइवेट में मस्त बैठ के खाना पीना कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे आगे आगे चल रहा है रुस्तम, तो आज भाई रुस्तम भाई आया मेरे साथ पिलियन राइडर होके। ओए तेरी, गिरने वाला था अभी यार, अभी 9 to 11:15 हो जाता। हाय अच्छा प्रॉपर्टी है इसका भी, गाय वाय है यहाँ पे। यहाँ से होते हुए सीधा निकलेंगे रिवर, रिवर साइड में आवाज़ आ रही है बहुत तेज़। ऊपर से दिखने में लगता है ना कि बहुत कम डिस्टेंस है, यहाँ से छोटा रिवर है, बट आप जैसे ही पास पहुँचते हो फिर आपको अंदाज़ा लगता है कि भाई है थोड़ा सा दूर, काफ़ी दूर आ गए। वहाँ अपनी बाइक है और हम लोग अभी भी चल रहे हैं। सो विल कीप वॉकिंग टिल वी फाइंड ए प्लेस, अ स्पॉट, एक स्पॉट तो
भाई साहब जगह ताबड़तोड़ है। यहाँ मरे रहे रहेछ जलाउने त्यही बनाउँदा हुन्छ खोल्दा छ नि त नि मजाको छ त्यही गरौँ राख्दो भए तै अब प्याज व्याज मस्त भुना जा रहा है। लो भाई डल गया। हवा आएको छैन नि अलिक चाहियो हवा आएको छैन नि भएको छैन अहिले त्यहाँदेखि त उभिरहेको छु म यहाँ अलिकति उयोमा आउँछु म छेको छु म त मसलाहरू सबै लिएर आएको छ सर त्यो लेख्छ त लेख्छु मैले खालि खडा मसला लिएको छ आएको हल्दी त छ हल्दी त छ यहाँ मेन त मसलामा त्यो सिम्पल खानुपर्छ यसरी मसला खानु हुँदैन नि अलिक ठुलो गरिदिउँ ठुलो गर्छ अलिक तिन लिटर ल्याउनु आँटेको थियो त राइट बेसी हुन्छ बस आलु भी डल गया और ये हमने छोटा मोटा वाई वाई का भुर्जी टाइप का बना दिया है ठीक है और अपना चिकन बन रहा है प्रेशर कुकर में ये बन जाएगा नेक्स्ट एक सीटी लगाएंगे उसके बाद फिर खुला पकाएंगे और बन जाएगा मस्त। अपन ने प्लेट ले रखा हुआ और ग्लास ले रखा हुआ प्लास्टिक का तो सारा उठा के जाएंगे हम लोग सही है। एकदम चिकन अभी बन रहा है पूरा पानी सुखा रहे हैं। टाइम हो चुका है 4:16 ठीक है तो हम लोग ने एक्चुअली बहुत टाइम वेस्ट कर दिया ऊपर जाके ना हमने स्काउट करा कहीं पे मिल जाए जगह लेकिन मिल नहीं रहा था एक्चुअली तो उसकी वजह से हमने क्या किया हम दोबारा से फिर नीचे ही आए गुरुवर्धन के साइड क्योंकि हम लोग अम्बे क्रॉस करके लाभा की तरफ ऑलमोस्ट पहुँच गए थे। सो लाभा इट्स ऑलमोस्ट लाइक 15-16 किलोमीटर यहाँ से जब हम जहाँ पर हम लोग अभी बैठे हुए कैंपिंग कर रहे हैं तो हमने सोचा कि यार वहाँ पर ठंड थी और बारिश भी होने वाली थी तो हमने नीचे आ गए दोबारा से फटाफट से और यहीं पे हमने वो कर लिया। अब ये है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है तो फटाफट हम खाना वाना बना लेंगे खाना खाएंगे उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे और मुझे तो दोबारा फिर माल बाज़ार जाके फिर सिलीगुड़ी भी पहुँचना होता है। पेट भर लिया है सारा कुछ हो चुका है अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अभी टाइम भी काफ़ी टाइम हो चुका है आई थिंक 5:30 तो हो ही चुके हैं 5:30। आज जो रिवर बेड में बकायदा हमने जो लंच बनाया फिर हमने खाया और दैट वाज रियली ऑसम। यहाँ का एकदम टोटल हमने पैकअप कर लिया अब यहाँ से हम निकल रहे और सीधा चलेंगे माल बाज़ार। माल बाज़ार से फिर मैं निकलूँगा सिलीगुड़ी के लिए और आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। टिल नेक्स्ट टाइम सी यू बाय बाय टेक केयर।